हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज की पहली आई होप आपने इस सीरीज की पहली वीडियो देख ली होगी। ये है सेकंड वीडियो। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग शेप्स की प्रैक्टिस आप लोग कैसे कर सकते हैं, और उन शेप्स की प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी ड्राइंग में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल, और अगर आपको ट्रायंगल बिल्कुल ही इजी वे में ड्रॉ करना है तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो ऐसे पॉइंट्स रख के इन पॉइंट्स को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन में, बस इस तरह से स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे जब आपने लाइन प्रैक्टिस कर ली होगी उसके बाद आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली लाइन ही स्ट्रेट लाइन खींच सकेंगे। तो आपको इस तरह से ट्रायंगल की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको इसी तरह से स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आपको इन सब शेप्स की प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है जिससे कि आपको बेसिक शेप्स ड्रॉ करना आ जाए। देखिए, स्टार्टिंग में ये सब इसलिए ड्रॉ करवाए जाते हैं जिससे कि आपको बेसिक शेप्स की नॉलेज हो जाए, और जब नॉलेज हो जाती है तो उसके बाद आप लोग कोई भी ड्राइंग ईजिली बना सकते हैं। कोई भी स्केच हो उसमें इसका यूज़ करके बहुत ही परफेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे आपको धीरे धीरे करके ड्राइंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता जाएगा। हमारा तीसरा शेप है, वो है सर्कल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है। कैसे करनी है वीडियो में आप देखते जाइए। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सर्कल बनाना होगा तब एक ही बार में ऐसे घुमा नहीं देना है, धीरे धीरे जैसे मैंने पहले बनाया उस तरह से आपको भी बनाना है। धीरे धीरे लाइंस मिला मिला के एक सर्कल का शेप दे देना है, ठीक है, ये तरीका गलत है। इसी तरह से स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर किसी भी शेप को एक ही बार में ऐसे नहीं बनाया जाता है। इसी तरह से आपको स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल इन सारे शेप्स की प्रैक्टिस करनी है डेली। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ड्राइंग अच्छी होती जाएगी। अब हम सीखेंगे कि इन सारे शेप्स को 3D शेप में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये एक और शेप है जिसको कहते हैं सिलेंडर। अब इन चारों की शेडिंग कैसे करेंगे जिससे ये बिल्कुल 3D लगे, वो पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में बता ज़रूर देना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।